बीएसपीओए के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी बैठक एसएनजी भवन सेक्टर 4 में संपन्न हुई। बैठक में बीएसपी के माइंस एरिया से आए जोन रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के नव निर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक एसएनजी भवन सेक्टर 4 में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर और महासचिव परविंदर सिंह शामिल हुए। यहां सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। कार्यकारिणी की बैठक में अधिकारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें संगठन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। बैठक में ओए के पूर्व पदाधिकारियों ने अपने अनुभव भी वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्यों को बताए। बैठक के दौरान ओए के पूर्व पदाधिकारियों सहित रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे बीएसपी के अधिकारियों का सम्मान किया गया। ओए के पूर्व पदाधिकारियों ने सभी को लेकर साथ चलने की बातें कहीं। बैठक में बीएसपी के अधिकारियों से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया, साथ ही आगे की कार्य योजना के लिए भी चर्चा की गई। बैठक की जानकारी बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने दी। बैठक हमारी जो कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई, उसमें हमारे जितने नए कार्यकारिणी सदस्य सबका स्वागत किया और जो हमारा एजेंडा है 23-25 उस पर डिस्कशन किया गया। सबसे पहले भिलाई को लेकर देखा जाए तो रावघाट परियोजना को चालू करना एक मुख्य उद्देश्य है। तो हमने काम करने की बात की। हमारे माइंस के भी अधिकारी जनरल रिप्रेजेंटेटिव भी उपस्थित थे, तो वो डिस्कशन हो उसमें हुआ। साथ ही साथ एचआरए पॉलिसी हम लोग बनाने जा रहे हैं, उस पर डिस्कशन हुआ, उसका हमने सुझाव भी आमंत्रित किए। इसके अलावा मेडिकल को लेकर चर्चा हुई, जो आज सत्यनारायण की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए जो प्रयास मेरे द्वारा किए गए और आगे भविष्य में करने का जो प्लान है उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर सुझाव भी हम मालूम किया गया। इसी तरीके से टाउनशिप में अवैध कब्जों को हटाना, साथ ही साथ टाउनशिप की बिल्डिंगों का सही उपयोग करना, उन पर चर्चा हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि आने वाले भविष्य में निजीकरण को रोकने हेतु हम लोगों ने विचार किया। निजीकरण को रोक कर उसके स्थान पर एक सभी स्किल पीएसयू का एक मर्जर किया जाए, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और सभी ने उस पर अनुमति दी कि 5-6 मुद्दे जो बड़े इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भिलाई के साथ जुड़े हुए, जिसमें भिलाई में हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, उसमें हम लोगों ने अपना नया कार्य चालू किया है। सेक्टर 10 में हम लोगों ने एक मेंटेनेंस ऑफिस हम लोग ने लिया है बीएसपी मैनेजमेंट से। उस पर हम लोग अपना जो एक्टिविटी करने वाले हमारा ओए की तरफ से उसमें अधिकारियों कर्मचारियों और संबंधित लोगों के लिए योगा मेडिकल कैंप चालू किया जाएगा। साथ ही साथ मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए वहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर चालू किया जाए, उस पर चर्चा हुई। और हमने सबने डिसाइड किया कि 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे और उसके लिए लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे। अच्छा सबका प्रयास था, लोगों ने सुझाव काफ़ी दिया और हमारे 21-23 के जो पदाधिकारी थे या हमारे कार्यकारिणी सदस्य जो इस कमेटी में अवार्ड में रहे उनके विचार हमने लिए और एक उत्साह जो माहौल है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो कार्य 21-23 में उस अच्छे कार्य हम लोग 23-25 में और आगे बढ़कर करेंगे। तो जितने मुद्दे हमारे सामने हैं उस पर पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि भिलाई बिरादरी या सेल बिरादरी में वो मैसेज जाए कि ओबीएसपी ने हर मुद्दों पर जो बात कही उस पर हमने अमल भी किया। बैठक के अंत में आभार प्रदर्शन बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के कोषा अध्यक्ष अंकुर मिश्रा ने किया। इस दौरान बीएसपी के अधिकारियों सहित ओए के जोनल प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।